वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं कोरियन स्टाइल मैगी। हम मैगी बहुत तरीके की बना के खाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आज मैं अलग हिसाब से बनाऊंगी। और ये मैगी इतनी टेस्टी लगती है खाने में, और बनाना देखना कितना सिंपल है। तो हमने ये 5 मैगी लिया है, 5-5 रुपए वाली हैं, यप्पी हैं। आपके पास जो भी मैगी हो वो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यप्पी ही हो। तो सारी मैगियों को हम पहले काट के इसमें निकाल लेंगे, इस बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि इस बाउल का हमें आगे भी इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं लगाऊंगी, यही बर्तन एक ही बाउल लगाऊंगी, और सारी मैगी अलग कर लूंगी, मसाला अलग कर लेंगे। तो बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी बेटी ने बनाया, शॉर्ट वीडियो डाला, मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो देखिए, हमने 5 मैगी निकाल लिया है और इनको एक साइड में रखते हैं। इधर हमने पानी लिया है, तो पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। इसमें बढ़िया सा उबाल आने देंगे पानी को। तो पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, अब क्या करते हैं, ये हम सारी मैगी इसमें डाल देंगे। तो मैगी को हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हमें हल्का सा इन्हें कच्चा रखना है, बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अभी इन्हें हम ढकेंगे नहीं, ऐसे खुला ही इन्हें पकने देंगे। तो जब तक हमारी मैगी उबल रही हैं, तब तक चलिए हम देखिए क्या निकालते हैं। यही बाउल लिया हमने, हमने बताया था ना कि हम बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं सानेंगे, हम एक ही बाउल में सारा काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये सारा मसाला निकालेंगे। ये लीजिए, सारा मसाला इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारा मसाला निकाल लिया है। कितना थोड़ा मसाला आता है, लेकिन ये 5 रुपए की है, तो 5 रुपए के हिसाब से एक पुड़िया में मसाला आता है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, तो मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इसमें कलर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा डालेंगे, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक इसमें होता है, लेकिन फिर भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कम लगने लगता है। तो ये लीजिए, हमने मसाले ऐड कर लिए, और अब इसमें जाएगा थोड़ी सी हींग। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें जाएगा। इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ लहसुन, इसे मैंने काट लिया। लहसुन ज़्यादा जाएगा इसमें, हम कोरियन मैगी बना रहे हैं ना, तो इसमें लहसुन जाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग बनाते हैं तो लहसुन ही डालते हैं, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए, हमने काफ़ी सारा लहसुन डाल दिया है, और इसे मिक्स कर देंगे बढ़िया से। और अब इसमें जाएगा एक और इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़रूरी है, तो चलिए अब दिखाते हैं, ये है सोया सॉस। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पे डालेंगे, हमें इसे कोई भी बर्तन में अलग से बघार नहीं लगाना है, मतलब छौंका नहीं लगाना है। ये लीजिए, एक चम्मच भर के डाल दिया, आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। इसको भी इस तरह से मिक्स कर देंगे, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। ये लीजिए, और अब इन सब चीज़ों को पहले करेंगे अच्छे से मिक्स, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। इधर हमारी मैगी भी हल्का सा बॉईल हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादा कच्ची हैं, देखिए दिख रहा है, तो इनको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इधर इसको हम अच्छे मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, हमारा सोया सॉस, गार्लिक मसाले जो भी हैं अच्छे से मिक्स हो गए। चलिए अब चलते हैं अगली तैयारी। अगली तैयारी क्या करना है इसके लिए, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारी मैगी भी पक के तैयार हो गई, तो हम इनको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के ठंडा कर लेंगे, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो ये देखिए, हमने मैगी
छान लिया और ये देखिए बढ़िया से मैंने ठंडे पानी से धुल दिया तो मैगी हमारी एक एक हो गए। चलिए अब इनको रखते हैं एक साइड में। इधर हम गैस जलाएंगे और ये हमने लिया एक चमचा, चमचे में डाला सरसों का तेल। तेल को बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, धुआं भी उठने लगा है, लेकिन इसका कलर अभी मुझे पीला पीला दिख रहा है, यानी हल्का सा तेल अभी कच्चा है। तो थोड़ा सा और गर्म हो जाने देंगे, बढ़िया सा धुआं उठने लगे। तो तेल अब गर्म हो चुका है तो गैस को बंद करेंगे। और ये देखिए हमने जो मसाले लिए हैं ये सारा तेल इस मसाले में जाएगा, ये लीजिए, और इसे बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स, ये लीजिए मिक्स हो गए। और अब इसी में ये मैगी जाएंगी हमारी, और अब ये सारी मैगी इसके अंदर, और अब इसे करेंगे बढ़िया से मिक्स। दो चमचे लेते हैं इस तरह से और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं हमारे वो एकदम बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाएं। तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए आपके बच्चे कैसे शौक से खाते हैं इन मैगी को। और देखिए कोई हमने अलग से कोई बर्तन नहीं लगाया है, तो सबसे पहले इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है और अब इन्हें लगाते हैं प्लेट में। तो ये हमने लिया है प्लेट और सारी मैगी जाएंगी इस प्लेट के अंदर। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। तो देखिए हमने सारी एक प्लेट में कर लिया है और अब जाएगा ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा, आपकी इच्छा हो डालिए, ना इच्छा हो मत डालिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी कोरियन स्टाइल मैगी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।